हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इरम्स लाइफस्टाइल इन लिबिया। और जनाब, क्या हाल चाल हैं आपके? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद है सब खैरियत से ही होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी सब खैरियत से हैं। और इस वक्त जा रहे हैं जू पार्क, और बच्चों को रमज़ान से पहले पिकनिक के लिए ले जा रहे हैं। मेरे फ्रेंड्स भी आने वाले हैं वहाँ पर, और हम लोग गेट टुगेदर कर रहे हैं एक मिलकर। तो रमज़ान में तो टाइम नहीं मिलता कहीं पर भी जाने का और घूमने फिरने का। ज़ाहिर सी बात है, एक रमज़ान एक इबादत का महीना है और साल में एक बार ही आता है, और हम लोगों को ज़्यादा गेट टुगेदर का भी मौका नहीं मिलता है। तो ये है कि बस इबादत हो जाती है या घर का काम हो जाता है। तो सोचा जुम्मे का दिन है, छुट्टी का दिन है, हॉलीडे है, चलो निकल जाते हैं, बच्चे भी इंजॉय कर लेंगे। तो आज देखते हैं क्या होने वाला है, बड़ा मज़ा आएगा। आप भी हमारे साथ रहिएगा और देखते रहें मेरे व्लॉग में। और रमज़ान में बस एक दो दिन ही रह गए हैं, और मेरी तरफ से सारे अहले मुसलमीन को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला सबको रमज़ान की सआदत देखना नसीब फरमाए, और हम पर अल्लाह ताला अपना फ़ज़ल व करम करे और रहमत व बरकत नाजिल फरमाए। तो मेरी तरफ़ से सबको बहुत बहुत रमज़ान की मुबारक हो। पार्क में आ गए हैं और अमर ईमान बहुत एक्साइटेड हैं, इनके फ्रेंड्स भी आ गए हैं, और ये लोग खूब अब हल्ला गुल्ला करने वाले हैं। मेरी फ्रेंड्स भी आ गई हैं, हमने भी खूब गॉसिप्स करनी है, और भूख भी लगी हुई है, और ये लंच टाइम है हमारा। तो फ्रेंड्स भी मेरी बना के लेके आई हैं कुछ ना कुछ, और मैं भी लेके आई। तो अभी बस लंच करेंगे थोड़ी देर में ही। और फूड में मेरी फ्रेंड लेके आई थी बिरयानी, और साथ में पिज़्ज़ा और कबाब वगैरह सारा कुछ था। बहुत अच्छी सी हमारी एक गेट टुगेदर पिकनिक हुई है, और मैं भी लेके गई थी स्वीट डिश, शाही टुकड़े लेके गई थी, चाय ले गई थी, और बस बहुत मज़ा आ गया हम लोगों को। ये हमारे मान देखें, एक स्टेडियम है, स्टेडियम में ये लोग उछल कूद करने में लगे हुए हैं। विंटर सीज़न में अक्सर तो ज़्यादा वॉक होती नहीं है, घरों में ही रहा जाता है। सर्दियों में ज़्यादा बाहर निकला नहीं जाता, ज़्यादा वॉकिंग नहीं होती है, एक बंदा बाउंड होकर रह जाता है। और हमारी कोशिश यही थी कि जो हमें 7 महीने से विटामिन डी नहीं मिल रहा, और हम धूप भी नहीं लग रही हमको, तो वो उसकी कसर तो पूरी हो जाए। तो वो अच्छे से हमने वो कसर भी पूरी कर ली, और विटामिन डी खूब लिए धूप में। तो बहरहाल, लेकिन 5 बजते ही तो शाम जैसे ही इवनिंग स्टार्ट हुई, ठंडी हवा भी स्टार्ट हो गई चलना, और सर्दी भी स्टार्ट हो गई है। सब लोगों ने जैकेटें पहनी हुई थी, और ये अमल ईमान जो है राइडिंग कर रही है, इनको बहुत पसंद है राइडिंग करना। और बस यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और एक बार मेरी तरफ से रमज़ान आने वाला है इसकी मुबारकबाद कबूल कीजिए। तो अल्लाह ताला रहमतों बरकतों वाला रमज़ान आप सबको देखना नसीब करे, और मेरी सब फ्रेंड्स को भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह हम लोग मिलते रहेंगे और इन्जॉय करते रहेंगे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।